हेलो बच्चों, क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के 2023 में एग्जाम देने वाले बच्चों, आपके एग्जाम के डेट्स काफ़ी करीब हैं। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? ढंग से तैयारी कीजिए। तो आज की इस क्लास में, वीडियो में, मैं आपके लिए जावा प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए 5 से 7 मार्क्स का वेटेज है। इसका 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ 4 टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो ये मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, सिक्योर 5 मार्क्स इन क्लास 10 2023। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हर बार की तरह हम लोग इस टॉपिक को जल्दी से समझेंगे। जरा आप ध्यान से देखें, डेफिनेशन बहुत छोटा छोटा होता है, अगर आप इसको समझ के याद करके जाते हैं तो जावा प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट में ये आपको 7 मार्क्स आसानी से देके जाएगा। तो इसे हम लोग देखते हैं। जावा प्रोग्रामिंग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, आप लोग जानते होंगे ये। तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स होते हैं, ये 4 फीचर्स हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। और इसमें से 2 अक्सर एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो इससे 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक है, यानी कि पहला फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो रियल लाइफ के एक एग्जांपल को लेके मैं इसे जब आपको समझाऊंगा तो ये ज़्यादा समझ में आएगा आपको। सपोज आप एक कैमरा चलाते हो या फिर मोबाइल फोन चलाते हो, तो जो भी उसका फंक्शन है उसको आप परफॉर्म करते हो। जैसे आपको कॉल लगाना है तो आप नंबर डायल करके कॉल लगाते हैं, कैमरा से आपको अगर फोटो लेना है तो आप क्लिक पे जो है टच करते हैं। तो ऐसा होता है कि उस मशीन में उसके अंदर क्या हो रहा है, यानी कि जब आप क्लिक करते हैं तो फोटोज कैमरा में कैसे आ जाता है, इसकी ये जानने की आपको जरूरत नहीं होती। यानी कि इंटरनल अंदर क्या हो रहा है ये जानने की जरूरत आपको नहीं होती, बस आपका पर्पस ये होता है कि क्लिक किया तो फोटो आ जाना चाहिए। तो जावा प्रोग्रामिंग का, यानी कि जो ओओपी का जो फीचर होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला फीचर, वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो इसका भी मीनिंग जस्ट लाइक वही है जो मैंने आपको समझाया, कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर्स विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। यानी कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है जावा प्रोग्रामिंग का वो फीचर है, जो कि जावा प्रोग्रामिंग का वो फीचर है जो कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर क्या हो रहा है वो जानने की उसमें कोई जरूरत नहीं है। यानी कि जो आपको जरूरत है बस वो दिखाता है, और इसेंशियल फीचर्स आपको नहीं, जो इसेंशियल फीचर्स है वो आपको बताता है और बैकग्राउंड डिटेल्स से आपको वो दूर रखता है। तो जावा प्रोग्रामिंग के इसी फीचर को हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। सेकेंड टॉपिक, इनहेरिटेंस। बायोलॉजिकल टर्म में इनहेरिटेंस आपने सुना होगा कि एक बच्चा है, इसके जो है आईज का जो है वो तरीका इसके पेरेंट्स से, देखिए फादर पे गया है, फिर जो इसके हेयर स्टाइल है वो उसके इस मम्मी पे गया है, इस टाइप का आप बायोलॉजी में सुनते होंगे। तो यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस जो टॉपिक है, अ क्लास अक्वायर सम प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास, दिस इज पॉसिबल बाय डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। यानी कि जब एक क्लास किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है, कॉपी कर लेता है, तो जावा प्रोग्रामिंग के इसी फीचर को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब पहले से बने हुए एक क्लास में से एक दूसरा क्लास बनाया जाए। तो जो क्लास हम लोग बनाते हैं इसको बोलते हैं सब क्लास, और जो पहले से क्लास बना होता है जिसकी प्रॉपर्टी को ये कॉपी करता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर क्लास। इसको हम लोग बेस क्लास भी कह सकते हैं। और इसको हम लोग डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं, यानी कि बेस क्लास से ये डिराइव किया गया क्लास है, इसको बेस क्लास और इसको डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं, इसको सुपर क्लास और इसको सब क्लास भी कह सकते हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग के इसी फीचर को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। तीसरा, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है बहुत सारा। द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ए फंक्शन मेथड फॉर मोर देन वन प्रोसेसेस। इसके एग्जाम्पल को जब मैं समझाऊंगा तो ये आपको बेहतर समझ आएगा। वॉल्यूम नाम का एक फंक्शन बनाया, अब वॉल्यूम क्यूब के भी निकाले जा सकते हैं, क्यूबॉइड के भी निकाले जा सकते हैं। तो वॉल्यूम फंक्शन है, उसका नाम एक ही रहेगा, पर इसके अंदर अगर हम लोग पैरामीटर देंगे तो इससे पता चलेगा कि वॉल्यूम किसका है। तो ये कहा जा रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म, तो वॉल्यूम नाम का जो फंक्शन बना हुआ है ये यही रह जाएगा, और इसकी हेल्प से हम लोग जो है वो अलग अलग फंक्शन को यूज कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स के, अलग अलग 3D शेप्स के वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो फंक्शन का नाम एक ही रहेगा, उसकी यूज अलग अलग है। तो जावा प्रोग्रामिंग के इसी फीचर को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। लास्ट टॉपिक, इनकैप्सुलेशन। द सिस्टम ऑफ रैपिंग डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। यानी कि डेटा और फंक्शंस को जब एक सिंगल यूनिट में बाइंड किया जाता है तो जावा प्रोग्रामिंग के इस फीचर को हम लोग इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि इससे डेटा की सिक्योरिटी बढ़े। यानी कि एक डेटा जो किसी फंक्शन के लिए बनाया गया है वो विदाउट इसके परमिशन, यानी कि कहीं फ्री फ्लो ना करे, इसको कोई और फंक्शन, कोई और क्लास एक्सेस ना कर सके, तो इससे बचने के लिए ही इनकैप्सुलेशन यूज किया जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन में डेटा की सिक्योरिटी होती है, वो जिस फंक्शन के लिए बना है वो उसे ही, वो फंक्शन ही उसको यूज कर पाएगा। यानी कि डेटा और फंक्शंस एक दूसरे से बाइंड होते हैं,
रैप्ड होते हैं, तो इसलिए जावा प्रोग्रामिंग के इस फीचर को जहाँ पे कि डेटा और फंक्शंस एक दूसरे से बाइंड होते हैं सिंगल यूनिट में, हम लोग इसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो ये चारों टॉपिक, इसमें से कोई दो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा और सब क्लास। सुपर क्लास, तो ये आपके इनहेरिटेंस से निकल के आता है, यानी कि जिस क्लास से कॉपी जो है वो कॉपी की गई, कोई प्रॉपर्टी कॉपी की गई उसको हम लोग सुपर क्लास कहते हैं, और जिस क्लास ने उसकी प्रॉपर्टी को कॉपी किया उसको हम लोग सब क्लास कहते हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये क्लास समझ में आया होगा, और ये आपके बोर्ड के लिए जो है 5 to 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास समझ में आया हो तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।